हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 फिजिक्स, चैप्टर नंबर 10 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। टॉपिक इज मर्करी बैरोमीटर। इट इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मर्करी बैरोमीटर की हेल्प से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं। एंड मर्करी बैरोमीटर कैसे बनता है? मर्करी बैरोमीटर के लिए हम 1 मीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब लेते हैं। दिस सपोज 1 मीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब। इस ग्लास ट्यूब को हम मर्करी से फिल करते हैं। ये हमारे यहाँ पर इसका क्लोज एंड एंड दिस इज ओपन एंड। एंड सेकंड इज ये एक हम टब लेते हैं। इस टब के अंदर मर्करी फिल करते हैं। नाउ इस 1 मीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब को हम, जो कि मर्करी से फिल है, इसके ओपन एंड को हम थंब से क्लोज करते हैं और इसको फिर उल्टा करके हम इस मर्करी टब के अंदर रख देते हैं। इस 1 मीटर लॉन्ग ट्यूब जो कि हमारी मर्करी से फिल है, उसको हम इस टब के अंदर, जो मर्करी है उसके अंदर हम इसको वर्टिकली रख देते हैं। इस तरह से रखते हैं तो इसके बाद हम क्या देखते हैं, धीरे धीरे यहाँ पर जो मर्करी थी इस ग्लास ट्यूब के अंदर, वो हमारी नीचे आना शुरू होती है। धीरे धीरे इस मर्करी का लेवल ग्लास ट्यूब के अंदर नीचे आना शुरू होता है, राइट। ना कुछ देर के बाद यहाँ पर आकर मर्करी लेवल रुक जाता है। यहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट होता है। इस वैक्यूम के अंदर एयर भी नहीं है। And this vacuum is known as Torricellian vacuum. Now, ये यहाँ पर इसकी हाइट मेजर करते हैं। इस लिक्विड और मर्करी सरफेस से इस लेवल की हाइट मेजर करते हैं तो दिस इज 76 सेंटीमीटर। इनिशियली क्या होता है, इस मर्करी कॉलम का अपना प्रेशर ज्यादा है, इस मर्करी कॉलम का अपना वेट ज्यादा था, जिसके कारण ये नीचे आती है। बट जब ये नीचे आती है तो यहाँ पर मर्करी का लेवल ऊपर जाता है और यहाँ पर जो एयर का प्रेशर है, जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, वो इसको ऊपर जाने से रोकते हैं और एक पॉइंट पर आकर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। इस मर्करी जो कि इस ग्लास ट्यूब के अंदर मर्करी का अपना वेट है, वो नीचे की तरफ कोशिश करता है और यहाँ पर आकर फिर वो ये इसका लेवल ऊपर जाता है, जो कि यहाँ पर एयर इसका अपोज करती है। तो एक पॉइंट पर आकर ये दोनों इक्वल होते हैं और उस पॉइंट पर आकर ये मर्करी का लेवल यहाँ पर रुक जाता है। इसके बाद ये नीचे जाना बंद हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने बताया कि इसकी हाइट मेजर करते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो दिस इज 76 सेंटीमीटर। और यहाँ पर ये जो यहाँ पर वैक्यूम है, जिसको हम टॉरिसेलियन वैक्यूम कह रहे हैं, इसके अंदर यहाँ पर जीरो प्रेशर है। नाउ इस मर्करी टब के अंदर हम 2 पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, दिस पॉइंट बी एंड सी, एंड पॉइंट ए इज एट द टॉप ऑफ द मर्करी लेवल। नाउ पॉइंट बी एंड पॉइंट सी आर एट द सेम हॉरिजेंटल लेवल। तो हमने पीछे टॉपिक में किया है, किसी भी हॉरिजेंटल लाइन पर जितने भी पॉइंट हैं लिक्विड के अंदर, उन सभी पॉइंट पर प्रेशर हमारा सेम होता है। तो therefore this pressure at point B is equal to pressure at point C and the pressure at point C is equal to the atmospheric pressure. Now therefore this pressure at point B is equal to pressure at point A plus pressure due to this mercury column and this pressure is equal to h rho g. ये last topic में हमने derivation किया था। इस liquid column जिसकी height h है, इसके कारण जो pressure बनता है, that is equal to h rho g. Now the value of this PA, point A पर जो pressure है, that is equal to zero, because यहाँ पर कोई air भी नहीं है। इस Torricellian vacuum के अंदर ये completely empty space, यहाँ पर air भी नहीं, तो यहाँ पर जो pressure है उसकी value zero, therefore PA is equal to zero plus this h rho g. Now the atmospheric pressure, this बी पॉइंट का प्रेशर कितना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल, तो इस पीवी की जगह पर हमने यहाँ पर रख दिया,
दिस इज एटमोस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू दिस एच रो जी. नाउ ऑन पुटिंग द वैल्यू, ये हाइट हमने मेजर की, दिस इज 76 सेंटीमीटर, या फिर इसको हम मीटर में कन्वर्ट करें तो दिस इज 0.76 मीटर. नाउ द डेंसिटी ऑफ मर्करी इज 13.6 इंटू 10 एस पावर 3 एंड द वैल्यू ऑफ जी इज 9.8. सॉल्व करने पर दिस इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10 एस पावर 5 पास्कल. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एटमोस्फेरिक प्रेशर. दिस एटमोस्फेरिक प्रेशर इज डिनोटेड बाई पी ए. इस तरह से हम मर्करी बैरोमीटर की हेल्प से एटमोस्फेरिक प्रेशर मेजर कर सकते हैं. और ये हमारा कितना आता है, 1.013 इंटू 10 एस पावर 5 पास्कल. नाउ अब इनिशियली हमने क्या किया था, ये जो हमारी ग्लास ट्यूब थी मर्करी से फिल, इसको तो वर्टिकली हमने यहाँ पर रखा था. तो इसकी हाइट की वैल्यू हमारी यहाँ से यहाँ तक, ये हाइट 76 सेंटीमीटर आती है. अब यदि इस ग्लास ट्यूब को हम इस तरह से इंक्लाइन कर दें किसी भी एंगल पर, या फिर हम इस ग्लास ट्यूब को मर्करी के अंदर नीचे करें या ऊपर कर दें, तो भी इस इंक्लाइन या इस ग्लास ट्यूब को ऊपर नीचे करने के बाद भी क्या होगा, ये जो हाइट है इस मर्करी लेवल की फ्रॉम दिस लेवल, दिस इज अगेन 76 सेंटीमीटर. इस ग्लास ट्यूब को यहाँ पर हमने क्या किया, इंक्लाइन कर दिया. तो इंक्लाइन करने के बाद भी इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक, ये जो हाइट है, दिस इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर. तो इस तरह से हम मर्करी बैरोमीटर की हेल्प से एटमोस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं. एंड द वैल्यू ऑफ दिस एटमोस्फेरिक प्रेशर इज 1.013 इंटू 10 पावर 5 पास्कल. नेक्स्ट टॉपिक इज ओपन ट्यूब मैनोमीटर. इस ओपन ट्यूब मैनोमीटर की हेल्प से हम किसी कंटेनर के अंदर गैस का प्रेशर मेजर करते हैं. इट इज यूज टू मेजर द प्रेशर ऑफ ए गैस इन ए कंटेनर. मैनोमीटर की, ओपन ट्यूब मैनोमीटर की कंस्ट्रक्शन किस तरह से होती है, ये हमारा कंटेनर, इस कंटेनर के अंदर गैस, एंड दिस यू ट्यूब इज कनेक्टेड विद इट, दिस यू ट्यूब, इस कंटेनर के अंदर गैस और गैस का प्रेशर हमने सपोज किया पी. इस यू ट्यूब के अंदर जनरली जो लिक्विड होता है वो मर्करी लेते हैं हम, तो इस गैस का अपना कितना प्रेशर है वो हमें मेजर करना है. तो हमने यहाँ पर सपोज किया जो मर्करी यहाँ पर इस यू ट्यूब के अंदर है, तो उसका यहाँ पर लेवल ए पॉइंट और इस साइड ये बी और दिस पॉइंट सी, एंड लेट दिस इज हाइट एच, एंड हियर दिस एटमोस्फेरिक प्रेशर पी ए, दिस इज ओपन एंड देयरफॉर यहाँ पर एटमोस्फेयर का प्रेशर होगा. नाउ इस पॉइंट ए पर जो प्रेशर होगा दैट इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ द गैस, हमें इस गैस का प्रेशर मेजर करना है. एंड दिस प्रेशर इज इक्वल टू द प्रेशर एट पॉइंट ए, एंड वी नो दैट द प्रेशर एट पॉइंट ए एंड प्रेशर एट पॉइंट बी आर इक्वल बिकॉज दीज टू पॉइंट लाई ऑन द सेम हॉरिजेंटल लाइन इन लिक्विड. हमने पीछे किया है ये टॉपिक के अंदर कि किसी भी हॉरिजेंटल लाइन पर लिक्विड के अंदर सभी पॉइंट पर प्रेशर सेम होता है. तो हमने यहाँ पर लेट किया टोटल प्रेशर पी ऑफ द गैस इज इक्वल टू द प्रेशर एट पॉइंट ए, एंड दिस प्रेशर एट पॉइंट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट बी, देयरफॉर दिस पी इज इक्वल टू पी ए इज इक्वल टू पी बी. नाउ दिस पी इज इक्वल टू पी ए प्लस एच रो जी. हेयर दिस वैल्यू ऑफ पी बी, पॉइंट बी पर जो प्रेशर है दैट इज इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू एटमोस्फियर प्लस प्रेशर ड्यू टू दिस मर्करी कॉलम. तो प्रेशर ऑफ दिस एटमोस्फियर इज पी ए और इस मर्करी कॉलम के कारण प्रेशर एच रो जी. तो दिस पी बी इज इक्वल टू पी ए प्लस एच रो जी, एंड दिस प्रेशर इज इक्वल टू द प्रेशर ऑफ द गैस. इस गैस का कितना प्रेशर हो गया, दिस एटमोस्फेरिक प्रेशर प्लस द प्रेशर ड्यू टू दिस मर्करी कॉलम. तो इस तरह से हम किसी भी गैस का, कंटेनर के अंदर कोई गैस, उस गैस का प्रेशर मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओपन ट्यूब मैनोमीटर. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हाइट ऑफ द एटमोस्फियर.
एटमॉस्फेयर की हाइट हमें कैलकुलेट करनी है. हियर वी नो दैट द प्रेशर एग्जर्टेड बाय एच हाइट ऑफ एयर कॉलम इज इक्वल टू प्रेशर एग्जर्टेड बाय 0.76 मीटर ऑफ मर्करी. हमने यहां पर किया है इस एच हाइट का मर्करी कॉलम का जो प्रेशर है दैट इज इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू एयर कॉलम. यहां पर क्या है, यहां पर एयर का प्रेशर है और ये जो प्रेशर है एयर का ये इस एच हाइट के मर्करी कॉलम के प्रेशर के इक्वल है जिसके कारण इसका नीचे आना बंद हो गया. यदि ये हमारा इक्वल नहीं होता तो ये नीचे आता, जैसे कि स्टार्टिंग में ये नीचे आना शुरू होता है. Therefore, the pressure exerted by h height of air column is equal to pressure exerted by 0.76 meter of mercury column. Now, this is h rho g. This is h rho g. Pressure exerted by h height of air column is equal to h rho g. And this pressure is equal to 1.013 into 10^5. जैसा कि पीछे हमने ये calculate किया. Now, from here, the value of h is equal to 1.013 into 10^5 upon rho into g. Now, on putting the values of rho and g, this h is equal to 1.013 into 10^5 upon 1.3 into, this is 9.8. This is the value of density of air. And on calculating, on solving, this is equal to 7951 meter, or this is nearly equal to 8 kilometer. This height of the atmosphere is not true. Atmosphere की height इतना नहीं होती है, इससे बहुत ज्यादा होती है. But इसका reason क्या है फिर? Calculation करने पर ही हमारा 8 किलोमीटर कैसे आया? Here the because the density of atmosphere is not constant. जो atmosphere है उसके अंदर जो air है उसकी density हमारी constant नहीं होती है. हमने यहाँ पर ये earth surface के पास इसकी density 1.3 ली. बट डेंसिटी ऑफ द एयर डिक्रीज होती है विद द हाइट. जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं तो एयर की डेंसिटी हमारी कम होती है. और आप ये कह सकते हैं यदि हम 6 किलोमीटर के ऊपर तक चले जाएं तो 6 किलोमीटर पर ऊपर जाकर डेंसिटी ऑफ एयर बिकम्स हाफ. जो हमारी अर्थ सरफेस पर एयर की डेंसिटी है उसका आधा हो जाता है. कितना ऊपर जाने पर? 6 किलोमीटर ऊपर जाने पर. और उससे और ऊपर जाएं तो और भी कम हो जाती है डेंसिटी, और ऊपर जाएं तो डेंसिटी और भी कम हो जाती है. जब यहाँ पर ये डेंसिटी कम होगी तो हाइट की वैल्यू हमारी ज्यादा आनी है. बट ये जो डेंसिटी हमारी ये तो अर्थ के वेरी क्लोज है, एयर की डेंसिटी अर्थ सरफेस के वेरी क्लोज. तो देयरफॉर डेंसिटी ऑफ एयर इज नॉट कॉन्स्टेंट, ये डिक्रीज होती जाती है. तो इसलिए ये हाइट हमारी यहाँ पर जो 8 किलोमीटर आई दिस इज नॉट ट्रू, इससे कहीं बहुत ज्यादा हाइट होती है एटमॉस्फेयर की. तो इस तरह से हमने आज की क्लास में पहला टॉपिक मर्करी बैरोमीटर किया, दूसरा टॉपिक ओपन ट्यूब मैनोमीटर किया हमने, तीसरा टॉपिक हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर किया. प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल नोटिफिकेशन फॉर वीडियोज. आशा करता हूँ आपको समझ में आए. थैंक यू.